सब्सक्राइब कीजिए सोनिया बार्टन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही डिलिशियस बेसन का हलवा जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है तो हलवा तो एक ऐसी चीज़ है जो घर पर बनता ही है त्यौहारों के टाइम पे। तो सूजी के हलवे से थोड़ा हटकर बनाने जा रही हूँ आज ये बेसन का हलवा। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई में आधा कप देसी घी को कर लिया है गरम और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ एक कप, साथ में एक चौथाई कप और एक्स्ट्रा यानी कि 1/4 कप ऐड कर रही हूँ मैं इसमें बेसन। तो फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है थ्रू आउट हलवा बनाने की प्रोसेस में, यानी कि पूरी प्रोसेस में आपको फ्लेम लो ही रखना है, लो आंच पे ही पकाना है ये बेसन का हलवा। साथ साथ इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सूजी और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे देसी घी में, यानी कि बेसन और सूजी को अच्छे से पकाते जाएंगे जब तक कि इसका रंग बिल्कुल बदल नहीं जाता। साथ साथ इसका टेक्सचर भी आप देखेंगे बहुत चेंज होने लगेगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। तो अभी आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सूखा सूखा बेसन है वो साथ साथ जुड़ता जा रहा है और अभी काफ़ी टाइट है ये बेसन और धीरे धीरे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट होने लगेगा आपका बेसन। ये देखिए कितनी सॉफ्टनेस आ चुकी है इसमें और हम जैसे जैसे इसको और पकाते जाएंगे तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट होता जाएगा जैसे जैसे घी में ये बेसन पकता जाएगा। तो ये देखिए कितना लूज हो गया है ये बेसन, यानी कि बिल्कुल लिक्विफाई होने लग गया है पकते पकते। कलर भी इसका लाइटली गोल्डन सा होने लग गया है। तो थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। बेसन जब पकता है तो एक बहुत ही पिक्यूलियर सी बेसन के पक जाने पे एक मीठी सी स्मेल आती है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है कि बेसन पका है या नहीं तो आप थोड़ा सा बेसन निकाल कर एक चम्मच में उसको ठंडा करके चेक कर सकते हैं खाकर। बहुत ही सिंपल सा तरीका यही है बेसन को चेक करने का कि बेसन पक गया है या नहीं। अगर आपको ज़रा सी भी रॉ स्मेल आती है उसमें तो थोड़ा सा और पका लीजिए उसको। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी पका लिया और बेसन काफ़ी अच्छा लाइटली ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी और चीनी के साथ साथ इसमें जाएगा पानी, लेकिन मैं यहाँ पे जो पानी इस्तेमाल कर रही हूँ वो है केसर का पानी। मैंने 7 से 8 केसर के स्ट्रैंड्स को 3/4 कप पानी में भिगो के रख दिया था जिससे रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है बेसन के हलवे में, साथ साथ केसर भी ऐड हो जाती है तो बहुत ही अच्छा एरोमेटिक सा खुशबूदार हलवा बनता है ये। तो केसर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे हलवे का कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अगर आप नहीं ऐड करते तो सिंपल 3/4 कप पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद बस इसको लगातार चलाते जाएं जब तक कि अच्छा गाढ़ा नहीं हो जाता और ये पैन की साइड्स नहीं छोड़ने लग जाता। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हलवा बिल्कुल सूख गया है और पैन की बिल्कुल साइड्स छोड़ दी हैं इसने। तो कुछ 1-2 मिनट तक इसको और पकाऊंगी कि हल्का सा इसमें से घी ऊज आउट होने लग जाए और उसके बाद बिल्कुल तैयार है ये बेसन का हलवा। तो अब लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और साथ साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर सिर्फ काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं भी ऐड करना चाहें तो बिल्कुल नहीं भी ऐड कर सकते क्योंकि हलवा सिंपल ये प्लेन भी बहुत ही डिलिशियस लगता है। तो थोड़े से मैं इसमें चॉप्ड काजू ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर देते हैं इसको और बिल्कुल आखिर में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच देसी घी ऊपर से जो कि बहुत ही चमकदार सा बना देता है इस हलवे को। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ना भी ऐड करें तो भी हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है और सर्व करें इसको गर्मा गर्म आप। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऐड कर दिया है घी और बस मिला दिया है इसको, गैस का फ्लेम अप कर दिया है ऑफ और ये देखिए मैंने गर्मा गर्म कर दिया है ये हलवा सर्व। बहुत ही डिलिशियस, आई एम श्योर आपको देखकर ही लग रहा होगा, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। हलवा तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद आता है और त्यौहार के टाइम पे स्पेशली बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है, साथ साथ खाने में बहुत ही डिलिशियस है। तो ऐसी चीज़ है जो हम घरों पर बनाते ही बनाते हैं। तो ट्राई कर सकते हैं आप ये डिलिशियस बेसन का हलवा।
तो ये आप देख सकते हैं कितना मुंह में घुलने वाला ये हलवा है, एकदम सॉफ्ट क्रीमी। ज़रूर से बनाइए इस हलवे को, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। त्यौहार के टाइम पे तो आम तौर पे घर में ऐसी रेसिपी बहुत काम आती है, जो कि जल्दी भी बन जाए और खाने में भी बहुत डिलीशियस हो। तो अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो आई है पसंद, तो इसे ज़रूर से कर दीजिएगा लाइक, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको कितनी अच्छी लग रही है ये वीडियो। तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइए। अक्सर लोग वीडियो पूरी देख लेते हैं और यहाँ तक देख लेते हैं, यानी कि एंड तक देख लेते हैं, और लाइक का बटन क्लिक करना हम भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको आती है पसंद, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई रेसिपीज़। मिलती हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक बनाइए ये हलवा और खाइए और मनाइए ये त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। हैव अ वेरी लवली डे। गॉड ब्लेस। बाय बाय एंड टेक केयर।